सूर्या के कैच को याद रखेगी दुनिया, मिनटों में पलट दिया पूरे मैच का पासा, हाथ मलती रह गई साउथ अफ्रीका। बाउंड्री के बाहर थी गेंद, वो हवा में उछला और बन गया भारत के लिए बजरंगबली। बेशक सूर्या के बल्ले से नहीं निकले रन, लेकिन फील्डिंग से कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम का सफाया। सूर्या का कैच देख हैरान रह गए लोग, कोई बोला इसके अंदर ब्रूस ली की आत्मा आ गई, तो कोई बोला बजरंगबली की शक्ति, क्योंकि हवा में उड़ने लगे थे सूर्य कुमार यादव। 29 जून 2024 को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत जीत गया। हर तरफ जश्न का माहौल है, क्योंकि 11 साल की कड़ी तपस्या के बाद भारत को यह मुकाम हासिल हुआ। लेकिन इस मैच में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है खिलाड़ी 360 मतलब सूर्य कुमार यादव, जिनके परफॉर्मेंस ने हर किसी को हैरान कर दिया। जो साउथ अफ्रीका की टीम भारत को हराकर जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, उनके मंसूबों पर सूर्या ने पानी फेर दिया और पलट दिया मैच का पूरा पासा। क्योंकि सूर्या ने ऐसा कैच पकड़ा जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि दो बार हवा में उछलना और बाउंड्री के बाहर से फिर अंदर आकर कैच लेना वाकई काबिल तारीफ है। लोग तो ये कहने लगे थे कि कहीं सूर्या के अंदर बजरंगबली तो नहीं आ गए। बता दें, बारबाडोस ब्रिज टाउन कैंसिंगटन ओवल मैदान में खेले गए इस मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने थी। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 176 रन लगाए। जवाब में चेज करने उतरी साउथ अफ्रीका टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने विराट कोहली के शानदार 76 रन और अक्षर पटेल की शानदार 47 रनों की पारी के बदौलत टीम इंडिया के निर्धारित 20 ओवरों में बोर्ड पर 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन लगाए। इसके जवाब में टारगेट चेंज करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन अंत तक साउथ अफ्रीका जीत की कगार पर पहुंचने वाली थी। पर शायद अफ्रीकी खिलाड़ी ये भूल गए थे कि सूर्या के पल्ले से रन भले न बरसे हो, पर वो मैदान में मौजूद है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी बल्ले से उठाकर गेंद को छक्के के लिए हवा में भेजता है, गेंद बिल्कुल बाउंड्री के पास पहुंच जाती है, लेकिन अचानक सूर्य कुमार यादव बजरंगबली की तरह हवा में उड़ते हुए आ जाते हैं और कैच लपक लेते हैं और खिलाड़ी आउट हो जाता है और यहीं समाप्त हो जाता है साउथ अफ्रीका का खेल और भारत ये मैच जीत जाता है। लेकिन अगर सूर्या ना होते तो साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबला जीत सकती थी और टीम इंडिया के खिताब का सपना टूट जाता। सिर्फ सूर्या ही नहीं, टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाजी में सबसे बड़ा योगदान रहा दिग्गज विराट कोहली का। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली का बल्ला खामोश था, लेकिन जहां जरूरत थी वहां विराट कोहली ने शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को एक ऐसे टोटल तक पहुंचाया जहां टीम के गेंदबाजों ने भारत को मैच जिता दिया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीत लिया। 76 रनों की शानदार पारी के चलते विराट को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, लेकिन सूर्य कुमार यादव के कैच को हमेशा याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।